हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 25 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक तो जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, सूर्य शक्ति योजना की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा राज्य के 3 जिलों से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, और ये 3 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर। गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर से दिल्ली मेट्रो जुड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो सेवा का लोकार्पण कब किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, 24 जून 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, योग आयोग का गठन करने की घोषणा हरियाणा राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, और नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तैराक ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, संदीप सेजवाल ने, और इन्होंने यह 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में जीता है, और वीर धावर विक्रम खेड़े ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमन कौर थांडी ने ITF प्रो टेनिस सर्किट में अपना पहला एकल खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 खिलाड़ियों ने उलानबातर कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। इस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसमें आंसर आएगा, उलान बातर कप मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने अपने यहां भारतीय नौसेना बेस बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दिया? तो इसमें आंसर आएगा, सेशेल्स की संसद ने। दोनों देशों ने इस साल जनवरी में अजम्पशन द्वीप पर सैन्य बल बनाने को समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन वहां के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, नेपाल के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 5 दिवसीय चीन के दौरे पर कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें ऊर्जा सेक्टर में सहयोग और तिब्बत में केरूंग को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने के लिए रेल लाइन के निर्माण से जुड़े समझौते शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कितनी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा चुके हैं? तो इसमें आंसर आएगा, किम जोंग पिल 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किम जोंग पिल दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री एवं खुफिया एजेंसी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो जोन के मंत्रियों ने किस देश में चल रहे वित्तीय संकट के खत्म होने की घोषणा करते हुए कर्ज माफ करने की मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा, ग्रीस के वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोटे विकसित किया है? तो इसमें आंसर आएगा, यूनाइटेड स्टेट ने।
52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। मुख्यमंत्री राजे को यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में अभूतपूर्व काम करने के लिए एक निजी संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून से नौसेना प्रमुख सुनील लांबा किस देश में 5 दिवसीय के दौरे पर हैं? तो इसमें आंसर आएगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 7वें भारत खनिज एवं धातु मंच का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली में। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से आपके लिए एक क्विज है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोहनपुरा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। निम्नलिखित में से किस जिले में मोहनपुरा बांध परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर और राजगढ़। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।